12 माननीय विधायकों ने माननीय एलजी महोदय से मिलने का प्रयास किया, लेकिन माननीय एलजी महोदय के लिए लंच पे जाना ज़्यादा प्रिफर्ड है एज कम्पेयर टू दिल्ली के 12 विधायकों से मिलने। अरे माइक पकड़ लेना। हमने बार बार कहा कि जी हमसे मिल लीजिए। पहली चीज़ तो जिस तरह से फ्रिस्किंग की गई हमारी, ऐसे कोई हम आतंकवादी हों, और उसके बाद मोबाइल रखा वहीं पर रख लिया, फिर अंदर गए पेन रख लिया और मिले भी नहीं और बगल कमरे में बैठे हुए थे, ये बड़ी निंदनीय और घृणित काम उन्होंने किया। आपने अपॉइंटमेंट ली थी? बिल्कुल ली थी जी, हमने चिट्ठी हमने कल SMS किया था, कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। भाई अगर कोई विधायक आपसे टाइम मांगे तो आप ड्यूटी बाउंड हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होल्डर हैं, आप ड्यूटी बाउंड हैं कि आप बताएं कि हम कब आ सकते हैं नहीं आ सकते। हमने कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दी। किसने मिलने गए आज? पहले विषय बता दीजिए, विषय बता दीजिए, विषय बता दीजिए। हम जो विश्वेंद्र जी हैं, जो उनके सेक्रेटरी हैं, उनसे मुलाकात की, उन्होंने हमारी कंप्लेंट्स ले लिए और कहा माननीय एलजी महोदय इस पे अपना जो भी कार्रवाई करनी करेंगे। साथ में बाद में मुझे दिखा कि वो बगल कमरे में बैठे हुए थे, तो बहुत ही एक तरह से ऐसा कार्य उन्होंने किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, इस पद को शोभा नहीं देता। जी विषय क्या उठाया है? विषय बता दीजिए सबसे पहले। आज की कंप्लेंट ये थी कि जी जो FIR आम आदमी पार्टी ने 49 दिन की सरकार के दौरान किया था अंबानी के खिलाफ, क्योंकि माननीय मोदी जी ने भी ये बात कहा था चुनाव के पहले कि जो गैस के दाम रिलायंस चार्ज कर रहा था सरकार से वो बहुत ही ज़्यादा था, उस मुद्दे के ऊपर हमने कई माननीय पर्सनालिटीज से कंप्लेंट्स रिसीव की थी उस वक्त, और उस पर FIR दर्ज हुआ था, FIR नंबर 17 ऑफ 2014, और उस पर जाँच शुरू हो गई थी। जब हमारी सरकार गिर गई, जब माननीय एलजी महोदय के द्वारा एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चल रही थी BJP के द्वारा, तो उस वक्त भी कोई कार्रवाई उस FIR पे नहीं की गई। जब हम पुनः सरकार में आए 2015 में, उस वक्त फिर हमने उस पर कार्रवाई शुरू की।